हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूँ। आज मैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है उप सह संयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण। मित्रों, इस वीडियो को आप पूरा देखें अंत तक। यह वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल स्टडी विथ अरुण सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, ताकि इसी प्रकार आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंचे। मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंटरमीडिएट में इससे 2 नंबर का प्रश्न बनता है और इसके अतिरिक्त भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए यह कम्पिटेटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरमीडिएट दोनों की ओर से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को, ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर को हम केवल एक सूत्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको पसंद आएगा और आप इसको एक बार इस प्रकार समझें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको इससे किसी भी प्रकार का जो भी प्रश्न आए वह आपसे छूटे नहीं, और उम्मीद है छूटेगा भी नहीं, क्योंकि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो उप सह संयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण, अर्थात जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं उनका IUPAC नामकरण किस प्रकार किया जाता है, तो उसको हम मात्र एक सूत्र के माध्यम से आपको बताएंगे। आप इस सूत्र में देख रहे हैं, जो भी ये शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों को एक बार समझ लें और इन शब्दों को छोटे छोटे शब्दों में रख करके एक में जोड़ देंगे। जोड़ने पर आपका एक किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का IUPAC नाम बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या करना है IUPAC नामकरण करने के लिए। आपको कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया होगा, उसमें सबसे पहले धात्विक परमाणु का नाम लिखना है आपको, धात्विक परमाणु का नाम प्लस उसके बाद लिगांड की संख्या का नाम प्लस उसके बाद लिगांड का नाम लिखना है प्लस केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है प्लस करके केंद्रीय परमाणु की आक्सीकरण संख्या आपको पॉइंट करनी है प्लस करके अधात्विक मूलक का नाम लिखना है। अब एक एक करके समझेंगे। धात्विक परमाणु का नाम, आपको जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे रखा होगा उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आपको कोई धात्विक परमाणु दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसमें आगे धात्विक परमाणु का एक दिया गया है एटम। इस एटम का आपको नाम रखना रहेगा पहले, वही यहाँ पे देख रहे हैं धात्विक परमाणु का नाम। उसके बाद लिगांड की संख्या, लिगांड की संख्या आपको बतानी रहेगी, जहाँ जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे साइनाइड लिगांड है जिसकी संख्या 5 है, तो 5 संख्या लिगांड की संख्या का नाम लिखना रहेगा। यदि लिगांड की संख्या 1 होगी तो आप मोनो शब्द का प्रयोग करेंगे, 2 होने पर डाई लगाएंगे, 3 होने पर ट्राई लगाएंगे, 4 होने पर टेट्रा लगाएंगे, 5 होने पर पेंटा लगाएंगे, 6 होने पर हेक्सा लगाएंगे, 7 होने पर हेप्टा लगाएंगे। यहाँ तक आपको देखना रहेगा, इसके आगे नहीं दिया जाता है। इसके बाद आप देखिए, अब लिगेंड की संख्या का नाम रखेंगे, उसके बाद लिगांड का नाम, लिगांड अर्थात जो भी लिगांड दिया होगा उस लिगांड का आपको नाम दिया जाना होगा, और उस लिगांड का नाम लिगांड के आवेश के आधार पर यहाँ पे हमने दर्शाया है। यदि जो भी किसी भी केंद्रीय परमाणु में लिगांड जुड़ा हुआ है, यदि वह ऋणात्मक आवेश रखने वाला लिगांड है तो उसके नाम के अंत में ओ लगा कर लिखते हैं। यदि वह जो भी लिगेंड जुड़ा है वह यदि धनात्मक आवेश का है तो उसके अंत में EM लगा कर लिखा जाता है। यदि लिगेंड उदासीन आवेश का है, अर्थात उस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, तो ऐसे लिगेंड का जो वास्तविक नाम होता है वही रखा जाता है। उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम, यदि आप केंद्रीय परमाणु के साथ जो भी लिगेंड ज्वाइंट होगा वह यदि निगेटिव चार्ज का होगा तो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में 8 शब्द लगाकर केंद्रीय परमाणु का नाम रखते हैं।
लेकिन यदि निगेटिव नहीं है तो जो भी केंद्रीय परमाणु होगा उसका वास्तविक नाम रखा जाएगा। आगे देख रहे हैं केंद्रीय परमाणु की आक्सीकरण संख्या, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में केंद्रीय परमाणु होगा उसकी आक्सीकरण संख्या आप लिखेंगे। आक्सीकरण संख्या को ध्यान रखना है कि इसको रोमन अंक में दर्शाना है, जैसे एक अगर निकलती है आक्सीकरण संख्या तो उसको फर्स्ट लिखना है, दो आने पर सेकंड, तीन आने पर थर्ड, फोर आने पर फोर्थ, फाइव आने पर फिफ्थ, ऐसे रोमन अंक में शो करना है। उसके बाद लास्ट में आप प्लस में लगाकर अधात्विक मूलक का नाम रखेंगे। जो भी अधात्विक मूलक अर्थात नॉन मेटल्स रेडिकल्स जो दिया गया होगा उसका वास्तविक नाम लिखना रहेगा, जो भी उस समूह का नाम होगा। तो इस प्रकार सभी का। अब आइए देखते हैं आप, जैसे कि कुछ शब्द हैं लिगेंड का नाम, लिगेंड संख्या का नाम, तो लिगेंड आप देख लें किसको लिगेंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस सूत्र में आपका यहाँ पे ये इसको धात्विक परमाणु कहते हैं। आपका बड़ा ब्रैकेट होगा, बड़े ब्रैकेट के पहले धात्विक परमाणु होगा, बड़े ब्रैकेट में जो मिड में रहेगा वह हमारा केंद्रीय परमाणु होता है, और केंद्रीय परमाणु में यहाँ पे जैसे CN दिया हुआ है इसको लिगेंड कहते हैं, और इस लिगेंड के ब्रैकेट में आपका नंबर दिया हुआ है, ये लिगेंड की संख्या है, ये शो करता है कि लिगेंड की कितनी संख्या है। उसके बाद ब्रैकेट बंद होने के बाद में अधात्विक मूलक अर्थात ये वाला अधात्विक मूलक यहाँ पे दिया होगा, जैसे यहाँ Cl दिया जा रहा है, कभी सल्फेट होगा या अन्य और भी हो सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने आपको यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है, जैसे इस ब्रैकेट का पूरा इसको संकुल मूलक कहते हैं, इस संकुल मूलक का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे शो किया है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेंटर आयरन जो है वह सेंटर में है, सेंटर अर्थात केंद्र में है, इसी वजह से इसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं। और इसमें जो आसपास जुड़े हुए रेडिकल्स हैं इनको यहाँ पर लिगेंड्स कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर एटम है और ये लिगेंड्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिगेंड्स की कितनी संख्या है, पाँच है, तो वही यहाँ पे शो की जा रही है, पाँच लिगेंड की संख्या है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इनका IUPAC नामकरण करना सीखें। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि दिया गया है K4 ब्रैकेट में Fe CN का होल 6। यहाँ पे आप देख रहे हैं धात्विक परमाणु दिया है, सेंटर एटम दिया गया है, लिगेंड दिया गया है, लिगेंड की संख्या दी गई है। यहाँ पे अधात्विक जो मूलक है वह नहीं दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं ये अधात्विक मूलक इस जगह पे नहीं दिया गया है। तो मित्रों, इन शब्दों पर आप केवल ध्यान देंगे, इसमें जो परमाणु समूह या मूलक आपको नहीं दिया गया होगा वहीं से IUPAC नाम कट कर दिया जाएगा, और उसके जस्ट आगे से हम IUPAC नाम बनाना शुरू कर देंगे, या लास्ट में जो नहीं दिया गया होगा तो इसको यहाँ तक लिखेंगे और यहीं से कट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका IUPAC नाम करेंगे तो पोटेशियम दे रखा है, तो इसका रियल नाम लिख दिया जाएगा पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड संख्या का नाम, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिगेंड की संख्या कितनी, 6 है, 6 के लिए आप हेक्सा का प्रयोग करेंगे, हेक्सा। और आपका लिगेंड का नाम आप रखना रहेगा, लिगेंड का नाम है आपको पता है साइनाइड है, लेकिन CN पर निगेटिव चार्ज रहता है। अभी आपने देखा था निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने पर अंत में O लगा कर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर CN साइनाइड होता है, लेकिन साइनाइड लिखते हैं यानी साइनाइड, तो लास्ट का आइड हटा करके यहाँ पर O शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो साइनो हो जाएगा, तो हेक्सा साइनो। आप यहाँ पर देख रहे हैं केंद्रीय परमाणु फेरस है। अब लिगेंड यहाँ पर निगेटिव आया है, इसलिए फेरस के लास्ट में आप यहां पे देखा था कि नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड्स होने पर लास्ट में एट लगाते हैं केंद्रीय परमाणु के नाम के साथ में, तो केंद्रीय परमाणु फेरस है, नेगेटिव लिगेंड्स होने की वजह से इसके लास्ट में एट लगेगा, तो इसका नेम हो जाएगा फेरेट, इसका नाम हो जाएगा फेरेट। और
इसके बाद केंद्रीय परमाणु की आक्सीकरण संख्या आप यहाँ पे रखेंगे। आक्सीकरण संख्या आपको केंद्रीय परमाणु की निकालनी रहेगी, तो आप केंद्रीय परमाणु की आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आपको इसके पहले के वीडियो में हमने आक्सीकरण संख्या निकालना बताया है। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो देख लें। यहाँ पे निकालेंगे एफ ई प्लस वन होती है, फोर है, फोर का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एफ ई की निकालनी है इसकी एक्स मान लेंगे, प्लस सी एन की माइनस वन होती है एक लिगेंड की, और सिक्स हैं, सिक्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू जीरो कर दिया जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स हो जाएगा एक्स, इधर प्लस फोर हो जाएगा, फोर प्लस का माइनस का सिक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू आपका निकल के आएगा टू। यहाँ पे प्लस आए आक्सीकरण संख्या या माइनस आए उससे आपको ध्यान नहीं देना है, उस पर आपको केवल कितनी निकल के आ रही है, दो, तो यहाँ पे दो को आप दो नहीं लिखेंगे, रोमन अंक में रखेंगे तो सेकेंड। अब यहाँ पे आप देखते हैं अधात्विक मूलक, अधात्विक मूलक यहाँ पे नहीं दे रखा है तो यहीं तक ब्रेक कर देंगे, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आपका नाम बनकर तैयार हो जाएगा, यूपीएससी नाम तैयार हो गया, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, इस प्रकार आप आईयूपीएससी नामकरण करते हैं। जैसे कि आगे आप देख रहे हैं इस वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड में धात्विक परमाणु का नाम नहीं दे रखा है, तो इसका अर्थ ये है कि जो धात्विक परमाणु का नाम का जो आपका वर्ड था इस वर्ड को ब्लॉक कर देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिगेंड संख्या का नाम लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं लिगेंड संख्या का नाम कितना है, फोर है, फोर के लिए आप टेट्रा यूज़ करेंगे तो टेट्रा। उसके बाद यहाँ पे ये एमीन ग्रुप का है कम रेडिकल्स, इसलिए एमीन रखेंगे, टेट्रा एमीन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कापर है तो कापर। अब इसकी आक्सीकरण संख्या निकालेंगे, आपको पता है NH3 ये यहाँ पर उदासीन मूलक है, इसकी आक्सीकरण संख्या जीरो होती है। यहाँ पे सल्फेट माइनस टू होती है आक्सीकरण संख्या, तो माइनस टू अर्थात टू निकल के आएगी, तो कापर सेकेंड, और इसको सल्फेट मूलक है तो इसका नाम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था अधात्विक मूलक का नाम उसका वास्तविक नाम रखा जाएगा जो भी समूह होगा, तो यहाँ पर सल्फेट है तो आप लिख देंगे सल्फेट। तो इस प्रकार नाम मिलकर तैयार हो जाता है टेट्रा एमीन कापर सेकेंड सल्फेट, ये आपका IUPAC नाम तैयार हो गया। इसी प्रकार आगे आप इस एग्जांपल को देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है तो आप हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद लिगेंड संख्या का नाम, आप लिगेंड संख्या देख रहे हैं क्लोरीन है यहाँ पे और छः हैं, तो छः के लिए आप हेक्सा यूज़ करेंगे, हेक्सा। क्लोरीन के लिए आपको पता है लिगेंड का नाम यहाँ पे रखना होगा, तो क्लोरीन निगेटिव चार्ज का होता है इसलिए इन हटा करके ओ लगाएंगे तो क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो। और प्लेटिनम, तो प्लेटिनम आप देख रहे हैं कि ये निगेटिव लिगेंड आया है इसलिए प्लेटिनम, तो अम लास्ट का हट जाएगा, एट लग जाएगा तो प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट। तो इस प्रकार IUPAC नाम मिलकर तैयार हो गया, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट। और यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर इसका रखेंगे, तो प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखी जाएगी लास्ट में, तो क्लोरीन माइनस वन, छः हैं तो माइनस छः, और इस प्लस टू माइनस हो जाएंगे तो फोर निकलेगा, तो इसलिए फोर्थ रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसका नाम तैयार हो गया हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट फोर्थ। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी धात्विक परमाणु नहीं दिया गया है, यहाँ पे केवल आपके लिगेंड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप लिगेंड की संख्या का नाम स्टार्ट करेंगे, फाइव के लिए आप पेंटा। इसके बाद फाइव क्या है, ये एमीन है, ये उदासीन है, तो इसका वैसा ही नाम लिखा जाएगा एमीन। ये कार्बोनेट, कार्बोनेट पर आपको पता है कि निगेटिव टू चार्ज प्रेजेंट रहते हैं इसलिए कार्बोनेट, और एट के लास्ट में ओ लगाएगा, कार्बोनेटो हो जाएगा, कार्बोनेटो। पेंटा एमीन कार्बोनेटो, ये आप देख रहे हैं कोबाल्ट,
कोबाल्ट निगेटिव चार्ज आया हुआ है इसलिए एट लगेगा, तो कोबाल्टेट इसकी ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे, इसकी उदासीन होती है, कार्बोनेट पे -2 होते हैं, इधर क्लोरीन दिया रखा है -1, तो -2 -1 3 हो जाएंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी 3, तो लिखेंगे रोमन अंक में थर्ड। यहाँ पे रेडिकल्स है आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन जब किसी ग्रुप में अर्थात किसी भी कंपाउंड में जुड़ा होता तो क्लोरीन नहीं उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं क्लोराइड, तो इस वजह से रखा जाएगा क्लोराइड। इस प्रकार नाम मिलकर तैयार होता है पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्टेट थर्ड क्लोराइड। इस प्रकार IUPAC नाम मिलकर तैयार हो गया। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे भी कोई भी धातु परमाणु का नाम नहीं है इसलिए लिगेंड की संख्या के नाम से स्टार्ट करेंगे, तो 4 है, 4 के लिए आपको पता है टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा ये एमीन ग्रुप है एमीन। उसके बाद यहाँ पे H2O 2 हैं इसलिए 2 के लिए डाई लगाया जाएगा डाई, और हाइड्रोजन को हाइड्रेट को IUPAC नाम में एक्वा के नाम से इसको जानते हैं, तो एक्वा। और आप यहाँ पे कापर आप देख रहे हैं, ये भी उदासीन रेडिकल्स लिगेंड्स है, ये भी उदासीन लिगेंड्स है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम रियल नाम यूज़ किया जाएगा कापर। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे इसकी 0, इसकी 0, इसकी -1 होती है, 2 क्लोरीन है, -2 हो जाएगी, अर्थात कापर की ऑक्सीकरण संख्या 2 निकल कर आएगी, 2 को हम रोमन अंक में सेकंड लिखेंगे। और यहाँ पे अधात्विक मूलक क्लोरीन है, अर्थात इसको जब यह किसी कंपाउंड में ज्वाइंट होता है तो इसे क्लोराइड के नाम से जानते हैं, तो क्लोराइड। तो इस प्रकार नाम मिलकर तैयार होता है टेट्रा एमीन डाई एक्वा कापर सेकंड क्लोराइड। इस प्रकार आप किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के IUPAC नाम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों इसी प्रकार जो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपने बुक से, या किसी भी जो भी आपके पास बुक हो उस बुक के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल HD विथ अरुण सिंह को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, ताकि इसी प्रकार और इम्पोर्टेंट जो भी वीडियो हम लेकर आएं उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।